लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में वहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि टेस्टिस के अंदर स्पम की फॉर्मेशन होती है लेकिन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्पम्प की फॉर्मेशन होती कैसे है एक कौन सी प्रोसेस है जिससे स्पम्प की फॉर्मेशन होती है फर्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फंक्शनल मेल गैमेट स्पम फ्रॉम द डिप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पर्मेटोगोनिया मतलब स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉयड है डिप्लॉयड मतलब इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कह लो या 46 क्रोमोसोम कह लो बात एक ही है स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म भी बोलते हैं मेल गैमेट भी बोलते हैं ये हेप्लॉयड होते हैं हेप्लॉयड का मतलब होता है सिर्फ 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है ठीक है यहाँ पे थे ट्वेंटी थ्री पेयर ट्वेंटी थ्री पेयर मतलब फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम यहाँ पर सिर्फ तेईस क्रोमोजोम प्रेजेंट है ठीक है उसके बाद है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस दो पार्ट में कंप्लीट होती है फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड सेकेंड है स्पर्मियोजेनेसिस उसके बाद है कि जो स्पर्मेटेड की फॉर्मेशन होती है ये तीन फेज में कंप्लीट होता है फर्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव फेज सेकेंड है ग्रोथ फेज एंड थर्ड है मैचुरेशन फेज फर्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मिटिड स्पर्मिटिड की फॉर्मेशन कैसे होती है स्पर्मिटेड की फॉर्मेशन तीन फेज में कंप्लीट होती है मल्टीप्लीकेटिव फेज ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज फर्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेटिव फेज क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव फेज में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनियम होता है स्पर्मेटोगोनियम क्या है डिप्लॉइड है इसके अंदर माइटोसिस होती है माइटोसिस की वजह से ये डिवाइड होता है डिवाइड तो होता है लेकिन जो इसका क्रोमोसोम है वो सेम ही रहता है ठीक है मतलब ये डिप्लॉयड ही रहेगा इसमें कोई रिडक्शन नहीं होती तो मल्टीप्लीकेटिव फेज में इसने अपने आप का अपना नंबर इंक्रीज कर लिया लेकिन इनका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम ही है अब इसमें से स्पर्मेटोगोनिया आ जाएगा ग्रोथ फेज के अंदर ग्रोथ फेज जो होता है शॉर्ट फेज होता है जैसे स्पर्मेटोगोनिया है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर न्यूट्रिशन का एक्यूमुलेशन होने लगेगा जैसे ही न्यूट्रिटिव जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें एक्यूमलेट होंगे इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीज होने की वजह से इस ये बहुत ज्यादा इसकी ग्रोथ हो जाती है ठीक है इसी वजह से इसको बोला है ग्रोथ फेज ग्रोथ फेज के बाद ये एंटर कर जाएगा मैच्योरेशन फेज में अब इसकी ग्रोथ तो होगी है लेकिन अब इसको मैच्योर होना है ठीक है ग्रोथ फेज में एंटर करते ही इसका नाम हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ठीक है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी भी ये डिप्लॉयड ही है इसके अंदर क्रोमोजोम का नंबर अभी भी सेम ही है 46 क्रोमोसोम क्रोमोजोम ही है अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइस में मियोसिस वन होती है मियोसिस वन जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन है मतलब अब इसमें होगी क्रोमोसोम की रिडक्शन 46 क्रोमोसोम है ठीक है तो 23 क्रोमोसोम इस सेल के पास चले जाएंगे 23 क्रोमोसोम इस सेल के पास चले जाएंगे ठीक है अब इनको बोलेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो हैप्लॉइड है यहाँ एन लिखा है एन का मतलब होता है और डिप्लॉइड का मतलब होता है टू एन ठीक है तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो है हैप्लॉइड अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होती है मियोसिस टू टू रिडक्शनल डिवीजन नहीं होती ये होती है इक्वेशनल डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है कि इसके अंदर क्रोमोजोम का नंबर तो सेम रहेगा बट ये मल्टीप्लाई करके एक से दो में डिवाइड हो जाते हैं ठीक है क्रोमोजोम का नंबर सेम है बट मल्टीप्लाई करके एक से दो में डिवाइड हो जाते हैं ठीक है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड से एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड से दो स्पर्मेटेड बन गए ठीक है तो दो सेकेंडरी स्पर्मोसाइड से कितने बन जाएंगे चार स्पर्मेटेड बन बने ये भी क्या है हेप्लॉइड है ठीक है तो स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटेड बनने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है उस फेज को बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। अभी हमने पढ़ा था ग्रोथ फेज के बारे में मैच्युरेशन फेज के बारे में जो उस डायग्राम के थ्रू हमने पढ़ा वो सेम चीज यहां पर लिखी हुई अब हम पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस में क्या था कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म कैसे बनेंगे देखो जो स्पर्मेटिड्स था वो राउंड शेप का था ठीक है उसमें साइटोप्लाज्म की अमाउंट भी ज्यादा थी ठीक है न्यूट्रिटिव मटेरियल भी था बट अब जो स्पर्म होता है स्पर्म की एक पर्टिकुलर शेप होती है ठीक है तो पर्टिकुलर शेप के साथ इसमें कुछ चेंजेस भी आएंगे अब क्या होता है इसमें जो सेल ऑर्गेनलीज होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया वो एक स्पेसिफिक पोजीशन ले लेते हैं अपने कहीं पे भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं और जो साइटोप्लाज्म जो हमने ग्रोथ फेज में पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसका अमाउंट भी ज़्यादा हो जाता है न्यूट्रिटिव मटेरियल का भी अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म की अमाउंट होती है वो कम हो जाती है ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो स्पर्मेटिड राउंड शेप में होता है उसे एक पर्टिकुलर स्प की शेप में आना होता है और तो उस वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है उसका अमाउंट कम हो जाता है ऑर्गेनलीज अपने अपने प्लेसेस पे चली जाती हैं और स्पम की एक पर्टिकुलर शेप बन जाती है जो ये पर्टिकुलर शेप बनती है स्पम की वो इसलिए बनती है ताकि स्पम की मोटिलिटी इंक्रीज़ हो सके ठीक है मोटिलिटी मतलब जो इसकी लाइफ है वो इंक्रीज़ हो सके